राधे राधे आप सभी को। मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हो अलोन ट्यूरर। अभी मैं हूँ श्री राधा रानी की जन्मभूमि यानी रावल विलेज में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि श्री राधा रानी की जन्मभूमि तो बरसाना है। मैं आपको बता दूं कि राधा रानी की जन्मभूमि रावल विलेज है, बरसाना में वो बाद में शिफ्ट हो गए थे। वैसे ज़्यादातर लोग यहाँ आते नहीं हैं, डायरेक्ट बरसाना में ही दर्शन करके चले जाते हैं वापस। रावल विलेज में कोई आता ही नहीं है क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये रावल गांव कहाँ पे है कहाँ नहीं है। तो मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, आखिरी तक बने रहिएगा। और रावल गांव ज़रूर आना अगर आप मथुरा वृंदावन की यात्रा पर निकले हैं, तो रावल गांव ज़रूर आना। दोस्तों ये मेन रोड है जो गोकुल और मथुरा को मिलाती है। अगर आप गोकुल से आना चाहते हैं तो गोकुल से आ जाइए, अगर आप मथुरा से आना चाहते हैं तो मथुरा से आ सकते हैं। इस रोड के बीच में आपको ये दरवाज़ा दिखाई देगा, इस दरवाजे पर लिखा हुआ है श्री राधा रानी जन्म स्थान पुराना बरसाना। मैं 1.5 से 2 किलोमीटर पहले ही उतर गया था ऑटो से। वो जो मुख्य दरवाज़ा मैंने आपको बताया था गांव के बाहर वाला, वही मुख्य दरवाज़ा है, वहां से गांव में एंट्री होती है। और 1.5 से 2 किलोमीटर बाद श्री राधा रानी जी का मुख्य मंदिर है। तो मैं पैदल पैदल चल के आ रहा था क्योंकि मुझे श्री राधा रानी जी का गांव देखना था। और इतना आनंद आया ना मुझे, आप यकीन नहीं करोगे, बहुत आनंद आया। और आपको मैं दिखाता हूँ, मेरे पीछे अभी इस वक्त ये जो पानी आप देख रहे हो ना, ये है यमुना जी का पानी। और यहीं पर वृषभानु जी को श्री राधा रानी हजारों कमल के फूलों के बीच में एक कमल के फूल पर मिली थी, यानी श्री राधा रानी यहीं पर प्रकट हुई थी, यहीं पर उनका जन्म स्थान है। और अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद वो मुख्य स्थान दिखाऊंगा, वो मुख्य प्रतिमा दिखाऊंगा, जहाँ पे जिस जगह पे श्री राधा रानी प्रकट हुई थी, वो जगह मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। वहाँ पे मंदिर बना हुआ है, अंदर आपको दर्शन करवाऊंगा श्री राधा रानी जी का मुख्य मंदिर। ये है राधा रानी जी का मुख्य मंदिर, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये राधा रानी जी का मुख्य मंदिर है। अब मैं आपको मंदिर के अंदर लेकर चलता हूँ। दोस्तों ये जो प्रतिमा आप देख रहे हो, ये पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जिसमें श्री राधा रानी जी अपने बाल स्वरूप में हैं, क्योंकि ये श्री राधा रानी जी की जन्मभूमि है। जब मैं मंदिर की छत पे आया तो मुझे एक और चीज़ दिखाई दी, आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो आप गुंबद देख रहे हैं ना, ये गुंबद और ये जो पेड़ है ना, इस पेड़ पे कोई भी जड़ नहीं है। जितने भी भक्तगण आते हैं ना, अपने अपने मन्नतों का जो डोरा होता है, धागा होता है, वो यहाँ पे बांध लेते हैं और उनकी मन्नतें पूरी हो जाती है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यही पेड़ है ना, इसके ठीक नीचे, इसी गुंबद के नीचे, मैंने आपको बताया था बाहर से आपको जब दर्शन करवाया था तब मैंने आपको बताया था, यहीं पर श्री राधा रानी जी कमल के पुष्प पर प्रकट हुई थी। तो आप सब मेरे साथ प्रेम से बोलिए राधे राधे। ज़्यादातर लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि श्री राधा रानी जी का मुख्य मंदिर कौन सा है, यानी रावल गांव वाला जो अभी मैंने आपको दिखाया वो मुख्य है या फिर बरसाना वाला मुख्य है। तो इसके पीछे एक बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। बात ऐसी है कि जन्म तो उनका यहाँ पे हुआ था, यानी प्रकट वो यहाँ पे हुई थी रावल गांव में, कमल के फूल पे प्रकट हुई थी, वो यहीं पे हुई थी, मेन मंदिर में आपको ये दिखा दिया। वो भी मेन है, वो मेन इसलिए है क्योंकि बाद में वो वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, यानी कंस के डर की वजह से उनके पिताजी वृषभानु जी उन्हें वहाँ ले गए थे, बरसाना ले गए थे उनको, तो इसीलिए वो मंदिर भी मुख्य है, ये मंदिर भी मुख्य है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए जरा सी भी तो लाइक करें, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। अभी मैं चलता हूँ, काफ़ी वक्त हो गया, बैटरी भी लो हो गई है। राधे राधे।